हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एनहांसर्स एकेडमी में, और मैं ब्रिजेश कुमार यादव। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो नेक्स्ट लेक्चर है, और हम इसमें बात करेंगे कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की। पिछले दो लेक्चर्स में हमने कवर कर लिया था कि कैसे एन एंड टर्म निकालते हैं, सम ऑफ देपी कैसे निकालते हैं, और कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स थे उसमें, और उनको कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद हमने क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया। और अब हम देखेंगे कि इसमें कुछ वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो अभी हमने एक क्वेश्चन लिया है कि इफ SN denotes the sum of first n terms of an AP, तो सम में हमने पढ़ा था कि SN का फार्मूला था कि n by 2 into 2a plus n minus 1 into d। तो इसमें कह रखा है इसमें क्वेश्चन में कि SN denotes first n terms of an AP, sum of first n terms। फिर क्या बात कह रहा है कि if then we have to prove that S12 is equal to 3 times of S8 minus S4। तो mostly ये board के examinations के questions हैं, competitive exams में prove करने के लिए तो खैर नहीं आता है। तो ये board के point of view से अगर हम देखें तो ये बहुत ही important question होता है। इसको prove करने के लिए हमेशा आ जाता है कि अगर SN हमारा n sum of n terms of an AP है तो S12 equal to 3 times of S8 minus S4, इसको prove करना है। तो ऐसे questions में हमें क्या करना चाहिए कि दोनों साइड्स को सॉल्व करना चाहिए। ये थोड़ी सी एक ट्रिक होती है कि हमको सोचना पड़ता है कि कब हम दोनों साइड को सॉल्व करें और RHS is equal to LHS प्रूव कर दें, या फिर कभी कभी हम किसी एक साइड को लेके चलते हैं और दूसरी साइड आ जाती है, RHS को लेके चला LHS आया, LHS को लेके चला RHS लाया। तो ऐसे केसेस में जब इस तरह का कुछ हो तो अभी S8 minus S4 को हमको S12 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसको हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो अगर हम कन्वर्ट करने चले तो थोड़ा सा क्वेश्चन क्या होगा, लेंथी होगा, और क्वेश्चन जब लेंथी होगा तो हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम भी कंज्यूम होगा। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं कि दोनों ही साइड को सॉल्व करते हैं। प्रूव करने का ये भी एक मेथड होता है कि हम दोनों साइड को सॉल्व कर दें और फिर दोनों को इक्वल दिखा दें, तो LHS इज इक्वल टू RHS हो जाता है और हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, दोनों साइड लेके चलेंगे। और सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्या, अपना राइट हैंड साइड RHS की अगर हम बात करते हैं, तो सम ऑफ n टर्म्स SN, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, हमने पहले पढ़ रखा है कि SN इक्वल टू क्या होता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अभी हम अगर राइट हैंड साइड लेके चलते हैं तो हमको क्या यहां पे है, S8 क्या होता है हमारा, S8 अगर हम S8 की बात करते हैं तो M की जगह पे हमको क्या पुट करना है, 8। तो देखते हैं S8 8 by 2 into 2A। A हमको नहीं पता है, D भी हमको नहीं पता है, ठीक है। तो इसी के फॉर्म में हम लेके चलते हैं, प्लस 8 minus 1 7D। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं, 2 1 2 2 4 8 4 2 8A 4 7 28D। S8 की वैल्यू आ गई 8A plus 28D। अभी हम बात करेंगे S4 की, S4 क्या है हमारा, 4 upon 2 2A प्लस 4 minus 1 into D, 2 2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 3d। इसको मल्टीप्लाई कर लिया अंदर, तो 2 2 जा 4a प्लस 2 3 जा 6d। ये हमारा S4 है। अभी यहां पे दिख रहा है 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं क्या, 3 टाइम्स ऑफ S8 minus S4, तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 3 टाइम्स S8 क्या हमारा, 8A plus 28D माइनस S4, 4A plus 6D, 4A plus 6D। अभी हम इसको माइनस करेंगे, जब इसको हम क्या करेंगे, माइनस, तो यहां से वैल्यू क्या जाएगी, 8A minus 4A, दैट इज इक्वल टू 4A।
28D माइनस 6D, 22D प्लस 22D, 3 इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3 4 जा 12A प्लस 3 2 जा 6, 66D। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, 3 टाइम्स ऑफ S8 माइनस S4 राइट हैंड साइड की। अब हम सॉल्व करेंगे अपना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड अगर हम सॉल्व करते हैं क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड, S12 क्या होगा, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के फॉर्म में इसको रख देते हैं, तो n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, 12 माइनस 1 11, 11d, 6 6 टाइम ऑफ 2a प्लस 11d, 6 2 जा 12 प्लस 11 6 जा 66d एंड दिस वन इज इक्वल टू LHS, सो LHS इज इक्वल टू RHS, 12a प्लस 66d, 12a प्लस 66d, सो LHS इज इक्वल टू RHS। तो हम इस तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम फिर इसको क्या करते हैं, इस चीज को हम S12 के फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना होता तो थोड़ा सा लेंथी होता क्वेश्चन, थोड़ा सा और दिमाग लगता, थोड़ा सा टिपिकल होता। तो ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, LHS और RHS को दोनों को साथ में लेके चलते हैं और सॉल्व करके उनको इक्वल दिखाते हैं। तो ये भी एक ट्रिक होती है सॉल्व करने की ऐसे क्वेश्चंस को। तो अभी हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। आज के लेक्चर में हम सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे और इसके क्वेश्चंस में जो नए नए कंसेप्ट आएंगे उनको सीखेंगे। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, और समझ आ रहा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिटरमाइन द 10th टर्म, क्या है ये आपका क्वेश्चन है 2016 का CBSE वो 2016, डिटरमाइन 10th टर्म फ्रॉम लास्ट। कोई एक एपी है जिसको लास्ट से क्या करना, हमको 10th टर्म को डिटरमाइन करना है, और वो एपी है हमारी 4914, एपी हमारी 4914, लास्ट में क्या है 254, ओके 4914, 254, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम लास्ट, 10th टर्म को हमको डिटरमाइन करना है, वो भी कहां से, लास्ट से, मतलब 254 के बाद एक टर्म, फिर एक टर्म, ऐसे ऐसे जो इधर से 10th पोजीशन पे होगा उस टर्म को हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए क्या हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, डायरेक्ट फार्मूला क्या है हमारा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होता है फार्मूला, nth टर्म फ्रॉम लास्ट क्या होता है फार्मूला, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। हमारा जो nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग होता था वो क्या था, an प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहां पे क्या है L माइनस, इधर से जब हम चलते थे तो क्या करते थे, एड ऑन करते थे, और इधर से हमको क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम एपी में देखते हैं, हमारा n की वैल्यू क्वेश्चन में हमको दे रखी है क्या है 10, d की वैल्यू हमको पता है, d क्या होता है सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, 9 माइनस 4 दैट इज 5, L हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, L 254, तो इसको फॉर्मूले में डायरेक्ट रखते हैं, तो हमारा जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, L 254 माइनस 10 माइनस 1 इंटू डी। ऐसे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये कॉम्पिटिटिव बोर्ड में तो आते ही आते हैं, लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बहुत ही फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं, वो पूछ लेते हैं फाइंड 10th टर्म या nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, कोई भी एक nth टर्म देंगे वो लास्ट से पूछेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि टाइम कंज्यूमिंग, मतलब देखने में लगता है हमें
कि बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन जिसको ये फॉर्मूला पता होगा वो इस क्वेश्चन को 10 से 15 सेकंड में सॉल्व कर लेगा, लेकिन जिसे नहीं पता होगा वो 1-2-3 मिनट भी लगा सकता है। और ये क्वेश्चन टाइम अगर देंगे तो लगेगा, क्योंकि हमको क्या करना है, माइनस कर करके 10th पोजीशन तक पहुंचनी है। तो लोगों को लगता है कि हाँ थोड़ा सा टाइम देंगे तो एक क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन उस एक को बनाने के चक्कर में क्या होता है, हमारा 2-3 क्वेश्चन छूट जाते हैं। क्योंकि जब आप इसको पीछे से माइनस कर करके 5 माइनस करेंगे एक टर्म आएगा, फिर 5 माइनस करेंगे एक टर्म आएगा, तो ऐसे करने में टाइम कंज्यूम होता है। क्वेश्चन तो लग जाता है लेकिन टाइम कंज्यूम होता है। तो हमें कंपिटेटिव एग्जाम्स में क्या होता है, मेन फैक्टर कि हमको टाइम बचाना होता है, ठीक है। तब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा हमारा, 254 माइनस 10 माइनस 1 9, 9 5 जा 45, 254 माइनस 45 254, 5 एंड 4 9, 209। तो ये हमारा आंसर आ गया 209। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा, हमको थोड़ा सा रिमेंबर करना होगा कि क्या फॉर्मूला, एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी फ्रॉम लास्ट, और फ्रॉम बिगिनिंग बोलता है तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी।